अकोला से अकोट की ओर आ रही वल्लभ नगर के पास में एक काली पीली को एक वहाँ पे काम कर रहे ट्रक, जो रोड का काम वहाँ पे हाईवे का शुरू है, उस हाईवे का काम करने वाले ट्रक ने बहुत बुरी तरह से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो काली पीली लुढ़कते हुए नीचे जा गिरी, जिसमें कई बूढ़े मासूम बच्चे और औरतें शामिल थी। और वहाँ पे उन मासूम बच्चों को और औरतों को बुरी तरह से चोट आई, जिसमें बुज़ुर्ग भी घायल हो गए, बहुत नुकसान हुआ। तो देखा जा रहा है कि आकोट रोड का काम जिस कछुआ गति से शुरू है, उस कछुआ गति को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में इस रोड का काम होगा, और ऐसे कई हादसे वहाँ पे पेश आ सकते हैं, क्योंकि प्रशासन इसके लिए कोई जल्दी नहीं कर रहा है। देखिए हमारे रिपोर्टर सैयद जमीर जेके की रिपोर्ट अकोला से आकोट रोड के ऊपर। क्या हुआ क्या तुम्हारे साथ में? गाड़ी में बिठा, गाड़ी दिल में पीछे बैठे थे तुम? कहाँ से आ रहे थे आप? अकोला से आ रहे थे, अकोट जा रहे थे। रास्ते वाले तुम गड्ढे वैसे हो रहे हैं, रास्ते का मसला ये है, रास्ते में ऑर्डर करने की इसमें हो रहा है। बताओ 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 अधिकारी ऊपर का जो रास्ते का जो काम चालू है, ये बहुत धीमी रफ्तार से चालू है। इसके ऊपर जो पहला टिकट आता बोलते वो भी निकल गया, और ये पब्लिक के जान से खिलवाड़ हो रहा है। ये कैसा है, ये काम जो है सब तरफ का हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर, और सब तरफ जो काम हो रहा है तो अच्छी रफ्तार से हो रहा है। सिर्फ ये अपना अकोला जो जिल्ला है, यहाँ के आमदार खासदार ये आते हैं, फोटो निकालते हैं, फिर चले जाते हैं, किसी की कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके घर का कभी कोई मेहमान मरेगा जब इनको एहसास होगा, खेल रहे हैं उनको। उसके बाद ये रोड के काम की वजह से हो रहा है, अभी यह दुर्घटना नहीं हो सकती है। रोड का काम चालू है, रोड की वजह से हो गया। कितने बच्चे भी थे तुम्हारे साथ में? अकोला से जो रोड अकोट की ओर आता है, जिसमें बीच में चौहट्टा वगैरह गांधी ग्राम ये भी आता है, ये रोड का काम कश्मीरी गति से चालू होने की वजह से है, और ये रोड छोटा होने की वजह से यहाँ से एक अभी अपघात हो चुका है, जिसके अंदर काली पीली को एक ट्रक ने ऐसी ठोस मारी कि वो जाके नीचे गिर गया, और वो गिरने की वजह से कई लोगों की जान पे बंद आई, कुछ बहुत सारे लोग और बच्चे यहाँ पे घायल हो गए, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रोड के वजह से कितना लोगों का नुकसान हो रहा है। सरकार को इसकी जल्दी दखल लेना चाहिए और जल्दी ये रोड को काम पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। अंग्रेज के बाद न्यूज़ समय मोहित अंग्रेज। दोस्तों वैसे भारत में तो गाय को माता समझा जाता है, लेकिन शायद सिर्फ माता ये मुँह से बोलने के लिए ही गाय रह गई है, क्योंकि माता जैसा कोई सलूक इसके साथ में गाय के नहीं किया जा रहा है भारत में। आप देख सकते हैं कि एक अकोला से अकोट रोड पे हमारे रिपोर्टर सैयद जमीर जब रिपोर्टिंग करने के लिए गए, तो वहाँ पर उन्हें 3 गाय एक साथ मरी हुई नज़र आई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह गाय को सिर्फ मुँह से माता माना जा रहा है, उसके मूत को पवित्र समझा जाता है, लेकिन गाय को मरने के बाद में पवित्र नहीं समझा जाता, उसे अपवित्र समझा जा रहा है। किस तरह से उसे कचरे और कूड़े के माफिक एक कोने के ऊपर फेंक दिया गया। तो ये है हमारे देश में मुसलमानों का खून कत्लेआम, गाय का नाम पर दलितों का और मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि गाय का क्या हाल यहाँ पर अकोला अकोट रोड पर हो रहा है। अब कोई इनको माँ कहने वाला आगे नहीं आ रहा, कोई इनका बेटा यहाँ पे नहीं इन्हें देखने के लिए आ रहा है कि माँ कैसी पड़ी हुई है, माँ को ले जाना चाहिए, उसे गाड़ना चाहिए या अच्छे से उसे जला देना चाहिए। अब कोई माँ की सुध लेने के लिए नहीं आ रहा है। तो ये कैसा माँ का प्रेम है, ये कैसी झूठी माँ की ममता है इन लोगों के दिलों में, कि ये अब गाय को कोई देखने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं। हमारे रिपोर्टर सैयद जमीर की रिपोर्ट अकोला अकोट रोड से। अंग्रेज की आवाज़ न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे पास में ऐसे ही न्यूज़ और सारे वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। कमेंट में बताएं आपको हमारा चैनल कैसा लगा भाई।